नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं फटाफट खबरों के साथ। राकेश टिकैत का केंद्र को अल्टीमेटम, 2 अक्टूबर तक धरने की चेतावनी। कृषि कानून के विरोध में शनिवार को किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम का आह्वान किया था। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत ने कहा कि हम ऐसे ही 2 अक्टूबर तक धरने पर बैठे रहेंगे, आगे का प्रोग्राम बाद में तय किया जाएगा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। देओल परिवार को नहीं करने देंगे शूटिंग। शुक्रवार को प्रदर्शनकारी किसानों के एक ग्रुप ने पंजाब के पटियाला में चल रही बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा स्टारर फिल्म लव हॉस्टल की शूटिंग को रुकवा दिया। देओल परिवार से किसान इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 2 महीने से चल रहे आंदोलन में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। टाटा को भारत रत्न देने की मांग। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। इसके लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा कैंपेन चलाया जा रहा है। हालांकि अब खुद टाटा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके ये कैंपेन रोकने का निवेदन किया है। रतन टाटा बोले, मेरे लिए भारतीय होना ही खुशकिस्मती है। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, चेन्नई टेस्ट का दूसरा दिन। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 8 विकेट गंवाकर 555 रन बना लिए हैं। आज का दिन भी रूट के नाम रहा। वे भारतीय जमीन पर पिछले 10 साल में दोहरा शतक जमाने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। रैगिंग में 4 लड़कियों को 5 साल की जेल। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 साल पुराने रैगिंग और खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में शुक्रवार को 4 लड़कियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने इन पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2013 में भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग से तंग आकर अनीता शर्मा नाम की स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली थी। महाराष्ट्र में नेवी ऑफिसर की हत्या। चेन्नई से अगवा किया गया एक नेवी ऑफिसर को किडनैपर्स ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में जिंदा जला दिया। बुरी तरह झुलसे अधिकारी ने शनिवार को दम तोड़ दिया। जांच में सामने आया, उन्हें छोड़ने के बदले 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पालघर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ किडनैपिंग और मर्डर का केस दर्ज कर लिया है। राखी सावंत ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे लगाया धोखा देने का आरोप। राखी सावंत ने दावा किया था कि अभिषेक अवस्थी एक समय पर 2 लड़कियों को डेट कर रहे थे। ये बात पता चलने के बाद राखी सावंत ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया था। राखी सावंत के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया की दुनिया में एक हंगामा मचा हुआ है। शहनाज गिल ने किया बूमरो बूमरो पर डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एक्ट्रेस शहनाज गिल कुछ समय पहले कश्मीर से लौटी हैं। वे वहाँ एक गाने को शूट करने गई थी। आने वाले गाने में एक्ट्रेस रैपर बादशाह के साथ नजर आएंगी। इसी बीच उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कश्मीर की घाटी में बूमरो बूमरो गाने पर डांस कर रही हैं।